Did you forget who I am? I am Optimus Prime. वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है प्रशांत और आज की टॉपिक में बात होगी उस सागा की जो शुरू हुई थी समय के शुरुआत से भी पहले, एक वॉर जिसने पूरे एक रेस के फेट को तय किया और वो मुकद्दर बनी पूरे इंसानियत की, एक कॉस्मिक वॉर जिसमें ना चाहते हुए भी इंसान डिसिसिव स्टेप बने। आज बात होगी साइबरट्रॉन, उसके हिस्ट्री और समझेंगे कि ये साइबरट्रोनियन वॉर थी क्या और वो एक पूरे एडवांस सिविलाइजेशन को कैसे निगल गई। साइबरट्रॉन जो कि होम वर्ल्ड है साइबरट्रोनियन रेस की और वो उस रेस के क्रिएटर प्राइमस का बॉडी भी है। साइबरट्रॉन की ज्योग्राफी काफी इम्प्रेसिव थी, मेटल से बना चमकता हुआ प्लैनेट अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के जेनिथ पे था। स्काई राइज स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग्स, मेटालिक माउंटेन्स, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, यानी एक फुल्ली फंक्शनल सिविलाइजेशन। अल्फा ट्रायोन ने बताया भी था कि ये प्लैनेट अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम में है, यानी साइबरट्रॉन अर्थ से 4.3 लाइट ईयर्स दूर थी। इन सब के अलावा साइबरट्रॉन एनर्जोन रिसोर्सेस में काफी रिच थी। ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम एनिमेटेड सीरीज की माने तो एनर्जोन कुछ और नहीं बल्कि प्राइमस का खून है, वहीं साइबरट्रोनियंस जिसे अपने फ्यूल की तरह यूज करते हैं। यही रिसोर्सेस और साइबरट्रॉन पे कंट्रोल पाने के लिए ही शुरू हुई थी वो ग्रेट साइबरट्रोनियन वॉर। तो इस एक छोटे डिस्क्रिप्शन के साथ चलते हैं सबसे शुरुआत में। समय के शुरुआत में यूनिवर्स में दो डीटीज थे, प्राइमस और यूनिक्रॉन, जो कि दी वन से अलग होके दो एंटिटी बने थे। कहा जाता है साइबरट्रॉन उनसे पहले एग्जिस्ट करती थी और वही बैटल ग्राउंड बन गई उन दोनों के वॉर का। प्राइमस अकेले यूनिक्रॉन के पावर को काउंटर करने में इनकेपेबल था, इसलिए उसने बनाए 13 प्राइम्स। ये 13 प्राइम्स जो थे प्राइमा, मेगाट्रोनस प्राइम, अल्फा ट्रायोन, नेक्सस प्राइम, वेक्टर प्राइम, सोलस प्राइम, एमालगमस प्राइम, दी लीज मैक्सिमो, अल्केमिस्ट प्राइम, ओनिक्स प्राइम, माइक्रोनस प्राइम, क्विंटस प्राइम और दी अराइजन। ये ओरिजिनल प्राइम्स माने जाते थे और इन सभी ने मिलके यूनिक्रॉन को हराया था, जिसके बाद प्राइमस ने खुद को साइबरट्रॉन के कोर से जोड़ दिया। अपने फिजिकल बॉडी को तो प्राइमस खो दिया पर उसने साइबरट्रॉन के कोर में नई जान डाल दी और प्राइमस और साइबरट्रॉन दोनों एक दूसरे से जुड़ गए। दोनों में से कोई एक मरा तो दूसरा भी मिट जाएगा। अब जैसे प्राइमस साइबरट्रॉन से मर्ज हुआ, उसने अपने ऑल स्पार्क का इस्तेमाल किया प्लैनेट को पूरी तरह बनाने में, जिसमें उसे 3 दिन लगे पर उसने प्लैनेट को हैबिटेबल बनाया। पूरी एक रेस बनाई जो साइबरट्रॉन के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स बने, पर वो रेस आपस में ही लड़ पड़े और ग्रेट कैटाक्लाइज्म में वो प्राचीन साइबरट्रोनियन रेस खत्म हो गई। इस कैटाक्लाइज्म के बाद एक एलियन रेस जो क्विंटेसेंस कहे जाते थे, जिसे क्विंटस प्राइम ने बनाया था, वो साइबरट्रॉन पहुंचे और उनकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बाकी बचे साइबरट्रोनियंस को इम्प्रेस कर गई। वो वहां पर धीरे धीरे खुद को एस्टेब्लिश कर दिए और पूरे प्लैनेट को रीबिल्ड किया, वो भी एक ही दिन में। पर समय के साथ साथ क्विंटेसेंस टायरेंट बनते गए और नेटिव साइबरट्रोनियंस पे काफी कड़े कानून लगाते चले गए और ये झूठ भी बोलते गए कि साइबरट्रोनियंस को उन्होंने बनाया है, जिसके बाद एक विद्रोह शुरू हुई और क्विंटेसेंस को साइबरट्रॉन छोड़ के भागना पड़ा और वो जल्दबाजी में काफी सारे स्पेसशिप साइबरट्रॉन पे छोड़ गए और स्पेस ब्रिज का ब्लूप्रिंट भी। और इसके बाद शुरू हुआ साइबरट्रॉन का गोल्डन एज, जब वो टेक्नोलॉजीज के मदद से वो खुद को एक गैलेक्टिक सिविलाइजेशन बना लिए। वो अक्रॉस गैलेक्सीज कई सारे प्लैनेट को अपने कॉलोनी में शामिल किए, वहाँ एनर्जोन डिपॉजिट्स बनाए और ये दौर पूरे 800,000 साल का था। ये दौर तब खत्म हुआ जब साइबरट्रॉन की एक शिप रस्ट प्लेग के संपर्क में आ गई। ये एक बीमारी थी जो मेटल को रस्ट में बदल देती थी, जिससे एक साइबरट्रोनियन भी मर सकता था। तो जब ये हुआ तब सेंटिनल प्राइम ने सारे स्पेस ब्रिजेस डिस्ट्रॉय करवा दिए ताकि वो बीमारी साइबरट्रॉन तक ना पहुंच सके, जिससे साइबरट्रॉन का कॉन्टैक्ट टूट गया हर प्लैनेट्स के साथ जहां जहां उनकी कॉलोनीज थी। इस गोल्डन एज के अंतिम दिनों में 2 साइबरट्रोनियंस को बनाया गया जो इस प्लैनेट के मुकद्दर को हमेशा के लिए बदल के रख देने वाले थे, और वो थे ओरायन पैक्स और मेगाट्रोनस। ओरायन बस एक क्लर्क था साइबरट्रॉन के आइकॉन हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स में,
जबकि मेगाट्रोनस एक ग्लेडिएटर था जो बैटल्स में लड़ा करता था। मेगाट्रोनस सिस्टम में बदलाव के पक्ष में सोचने वालों में से था, जिसके वजह से उसके काफी सपोर्टर्स बनते गए, जिनमें एक ओरायन पैक्स भी था। इसके बाद मेगाट्रोनस अपना नाम बदल कर मेगाट्रॉन कर लिया और उसने ऑटोबॉट्स हाई काउंसिल से रिक्वेस्ट की कि उसे अगला प्राइम बनाया जाए, बट उसके वॉयलेंट नेचर को देखते हुए हाई काउंसिल ने उसे रिजेक्ट कर दिया। और उसी असेंबली में मौजूद ओरायन ने जब स्पीच दी, तब उसने अपने विजन को बताया एक ऐसे सिस्टम और सोसाइटी के बारे में जहां वॉर नहीं सिर्फ पीस होगी। और इस बात से हाई काउंसिल इतनी खुश हुई कि ओरायन का नाम बदल कर ऑप्टिमस प्राइम कर दिया गया। इस बात से चिढ़ा हुआ मेगाट्रॉन ओरायन से अपनी दोस्ती तोड़ लिया और अपने सपोर्टर्स को अपना आर्मी बना लिया, जिसे उसने नाम दिया डिसेप्टिकॉन्स, और साउंड वेव बना उसका जनरल, और उसने साइबरट्रोनियन ऑर्डर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, जिसपे ऑप्टिमस पूरे साइबरट्रोनियन आर्मी को तैयार किया, जिसमें ऑटोबॉट्स सबसे मेन डिवीजन थी। और अब छिड़ी एक जंग इनसेप्टिकॉन्स और डिसेप्टिकॉन्स के बीच, जो कहलाई दी ग्रेट साइबरट्रोनियन वॉर। ये ग्रेट वॉर अगले 40 लाख सालों तक चली और साइबरट्रोनियन रेस को खत्म होने के कगार तक ले आई। ये लड़ाई इतनी भयंकर थी कि इसमें कई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल किए गए, जैसे साइबोनिक प्लेग का इस्तेमाल किया गया, जिसमें लाखों ऑटोबॉट्स मरे। ये प्लेग एक साइबरट्रोनियन के एनर्जॉन सप्लाई को इन्फेक्ट कर देता था और उनके अंदर का एनर्जॉन टॉक्सिक बन जाता था, जिसके वजह से उनकी मौत हो जाती थी। फिर मेगाट्रॉन टॉक्स एन का भी इस्तेमाल किया था, ताकि एक बार में ही काफी मैसिव डिस्ट्रक्शन की जा सके। और इसी वॉर में बम्बल भी अपना वॉइस खो दिया था और अरैकनेड आरसी के पार्टनर टेलगेट को मार दी थी। फिर इस वॉर में एक समय ऐसा आया जब डार्क एनर्जॉन को भी ला दिया गया। डार्क एनर्जॉन वो पावर सोर्स है जिसे नॉर्मल साइबरट्रोनियंस नहीं झेल सकते। यूनिक्रॉन की खून होने के वजह से इसमें काफी ओवरवेलमिंग पावर्स है, इतनी कि एक नॉर्मल साइबरट्रोनियन को मार दे। तो जब ये वॉर में आया और धीरे धीरे ये डार्क एनर्जॉन साइबरट्रॉन को इन्फेक्ट करने लगा, तब ऑप्टिमस प्राइम और अल्ट्रा मैग्नस ने मिलकर ये फैसला किया कि सभी साइबरट्रोनियन को इस प्लैनेट से निकालना होगा, जिसमें अल्फा ट्रायन ने उनकी मदद भी की। और यही वो समय था जब ऑप्टिमस को मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप भी मिला प्राइमस के तरफ से। अब चूंकि उनकी पूरी सभ्यता मिट चुकी थी, तो उनके पास कोई जगह नहीं थी जाने को। वही जंग के दौरान जब ओमेगा लॉक के बारे में सभी को पता चला, तब सभी के मन में एक उम्मीद बन गई कि हम अपने प्लैनेट को दोबारा बना सकते हैं। तब उनकी खोज शुरू हुई कि जब साइबरट्रॉन दूसरे प्लैनेट को अपना कॉलोनी बनाता था, उनमें से कौन सा प्लैनेट अभी भी बचा हुआ है, और वो होता है अर्थ। चूंकि अपने हर कॉलोनी प्लैनेट पे वो एनर्जॉन डिपॉजिट बनाया करते थे और साइबर मैटर भी रखते थे, तो सभी की एक उम्मीद जागती है कि हम साइबरट्रॉन को वापस जिंदा कर सकते हैं। और ये अट्रैक्ट करती है दोनों ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स को, और वो पौराणिक लड़ाई जो साइबरट्रॉन में शुरू हुई थी, उसका मुकद्दर अब अर्थ बन गया। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो, जहां हमने आपको साइबरट्रॉन की हिस्ट्री और साइबरट्रोनियन वॉर के बारे में सब कुछ बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपको ट्रांसफॉर्मर फ्रेंचाइजी कैसी लगती है, और क्या आप फ्यूचर में इस फ्रेंचाइजी पे और वीडियोस देखना चाहते हैं। और ऐसी सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल एंटरटेनमेंट बॉट को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। मे द फोर्स बी विद यू। यू टर्न्ड योर बैक ऑन साइबरट्रॉन, नाउ यू विल वॉच अर्थ डाई।